Hello and welcome to our series Counselling Baki Hai. I am Aditya Yadav and watching the Social Indian, and in this video we will be discussing the breaking news of the day, that is the cutoff list. The second cutoff list is here for you, or agar aap Delhi University LLB entrance mein admission ka intezar kar rahe the to shayad ye aapke liye bahut badi khabar hai, kyunki second list jo hai wo aa chuki hai, aur second list gayi hai kitne marks par wo is video mein hum discuss karenge ki kitne marks par list gayi hai, kaun kaun si category ke liye kya kya marks honge required, jo cutoff list hogi second uske liye, thirdly aap kab tak pahunch sakte hain, kab tak kya kar sakte hain, counseling ka schedule kaise hoga, aage ki aane wali third aur fourth लिस्ट का शेड्यूल क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और कितने मार्क्स तक एक्सपेक्ट करें, कितने मार्क्स तक एक्सपेक्ट ना करें, कुछ और सोचें लग जाएं, उसके बारे में हम इस वीडियो में करेंगे डिस्कस। तो आज की इस वीडियो में जब हम ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं तो हमें भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, एंड वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल हु आर क्लियरिंग द कट ऑफ, दैट इज द सेकेंड कट ऑफ। जो जो निकाल कर आ रहे हैं फैकल्टी में, आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। अब जब हम कट ऑफ देखते हैं तो ये जनरल के लिए जो पहली कट ऑफ लिस्ट में गई थी वो गई थी 222, उसके बाद चार मार्क्स नीचे आकर ये आई है 218 पर। तो शायद जनरल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शायद अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मैं ये कहूंगा कि भाई थोड़ा दुख होता है कि भाई सिर्फ चार मार्क्स गई है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर, आप मैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर ये बता दीजिए कि कितने मार्क्स तक हम इंतजार करें, 205 208 वाले अभी होप खोने लगे हैं। तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि पिछली बार 6 लिस्ट आई थी, अगर पहली लिस्ट में 4 मार्क्स कम होते हैं, दूसरी में भी 4 कम होते हैं, तीसरी में 3 ऐसे कम भी होते हैं, तो शायद 208 207 206 तक लिस्ट पहुंच सकती है। लेकिन 210 हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ था पहले डे से, तो हम आज भी उसी पर बैठे हुए हैं। अब हम आते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की तरफ। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए थोड़ी ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी कम गई है, वो है 183 के आसपास। सेकंड कट ऑफ लिस्ट में अगर आपके 183 से ऊपर मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, आपका नाम आया होगा लिस्ट में नाम देखिए, 12 डॉक्यूमेंट्स को लाइन में लगाइए, अगर नहीं है तो अंडरटेकिंग दीजिए और आगे बढ़िए, लेकिन एडमिशन यहाँ पर आप जरूर ले लीजिए। उसके बाद आती है बारी अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी की। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और अगर आपने ओबीसी कैटेगरी भरी थी तो आप यहां पर मौका उठा सकते हैं। 164 मार्क्स गई है कट ऑफ, 164 मार्क्स में कहूंगा बहुत कम गई है, क्योंकि पिछली बार भी काफी ऊपर थी ओबीसी कट ऑफ। इस बार शायद ईडब्ल्यूएस के आने से ओबीसीज को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है वो तो बाद की बात है, लेकिन ओबीसी कट ऑफ थोड़ी कम लगी है मुझे, वो है 164 मार्क्स। शेड्यूल कास्ट के लिए गई है और भी कम, यानी 24 मार्क्स कम, ये आ गई है 140 पर, बहुत लंबा ब्रेक लगा है। तो 140 से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आइए और एडमिशन लीजिए। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ये जो गई है लिस्ट वो गई है 85 मार्क्स पर, और 85 मार्क्स का मतलब ये है कि अगर आप उससे ज्यादा मार्क्स ले रहे हैं तो आ जाइए एडमिशन कराने के लिए। अब हम बात करते हैं थर्ड और फोर्थ लिस्ट की। तो वो नोटिफाई नहीं की गई थी कि कब तक आएगी शेड्यूल, वैसे तो उसका था 3, 4 और 5 का और 7, 8, 9 का, इतना हम उम्मीद लगा सकते हैं कि जब तक आएगी थर्ड और फोर्थ लिस्ट। लेकिन कितनी लिस्ट आ सकती है इसके ऊपर अगर हम बात करें तो वो आ सकती है 5 या 6 लिस्ट आ सकती है, पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका एडमिशन कितने मार्क्स तक होगा क्या नहीं होगा, तो हम 210 कहकर चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के मन की शांति के लिए हम इसे 205 कर दे रहे हैं। 5 मार्क्स कम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर 6 लिस्ट आती है तो शायद मार्क्स उधर तक पहुंच जाएं, नहीं तो 210 हमारा एक्सपेक्टेशन था और 210 पर ही कट ऑफ लग रही है। अब अगर आपका इसमें लिस्ट में नाम आता है तो आप तैयार रहिए, कोशिश कीजिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ हों, कोशिश कीजिए कि अगर आपके डॉक्यूमेंट साथ भी ना हो तो भी आप काउंसलिंग शेड्यूल के टाइम पर पहुंच ही जाएं, वो मिस ना करें, क्योंकि काउंसलिंग शेड्यूल मिस करने से दिक्कत ये हो जाती है कि दोबारा काउंसलिंग के लिए डेट मिलना मुश्किल हो जाती है। थर्ड लिस्ट के बाद ये भी कहने में आ रहा है कि शायद कैटेगरी बदलने का आपको ऑप्शन मिले कि जिन्होंने गलत कैटेगरी भर दी थी वो सही कैटेगरी में आ सके, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं, इस पर कुछ तथ्यों के साथ ऑथेंटिक कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे वहां पर आपको रिप्लाई करें। एसएमएस पर हम आजकल उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे पिछले 2 दिनों से, कोशिश करेंगे उसे भी जल्दी से रिजॉल्व करें। अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, जल्दी से मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप कर लीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब, मिलते हैं जल्दी बिना समय खराब किए हुए। भारत माता की जय, जय हिंद।